हेलो एवरी वन वेलकम टू अभिमन्यू आई एस दिस इज रमीश सीनियर फैकल्टी अभिमन्यू आई एस एंड टुडे विल बी डिस्कसिंग फ्यू फैक्ट्स एंड फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग द बेसिकली मेन्स आंसर राइटिंग एंड वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द टेस्टरीज इन द दीन एग्जामिनेशन ठीक है तो आप लास्ट ईयर भी जो हर साल या लास्ट ईयर भी जिन्होंने मेन्स लिखे हैं एच सी एस के अंदर आप उनके भी रिव्यूज और उनके भी जो भी टेस्टिमोरियल्स हैं You can visit that also and find out the benefit of the test series in the mains and what is the benefit of answer writing practice and the test series of Abhimanyu and the kind of support system and the kind of improvisation they got from the test series of Abhimanyu Mains. किस तरह की उनको mentorship मिली, किस तरह की उनके answers daily basis पे check हो रहे थे, किस तरह वो answers अपने भेज रहे थे और उनके अपने mentors को और किस तरह से mentors ने उनको guide करा, test series के through ही कैसे guide करा? राइटिंग में कैसे हेल्प करा एंड दे आर एबल टू मेक इट इन द्वेंटी ट्वेंटी की जो नोटिफिकेशन थी वो टॉपर्स में हैं वो एग्जीक्यूटिव में गए डी एस टी बने वो ई टी ओ बने आंसर राइटिंग विच हैजू प्ले अ रोल ठीक है अभी मनी यू ब्रिंग्स टू यू द टेस्ट सीरीज ऑफ जनरल स्टडीज मेन्स और इट इज बीन क्राफ्टेड बाई बेसिकली हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टीज एंड

जितने भी डायरेक्टिवस हैं सारे डायरेक्टिव में आप एक ही चीज लिख रहे हो जो आपको मालूम है लेकिन पूछा कुछ और गया है और लिख आप कुछ और रहे हो जो आपको पता है वो नहीं लिखना है जो सवाल पूछा गया वो लिखना है ठीक है देन द इंफॉर्मेशन टर्नस इंटू नॉलेज जब आप सही सवाल का सही जवाब देते हो और सही सवाल का सही जवाब देने के लिए टस्ट सीरीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अ गाइडेड मेंटोर कि आपका आंसर राइटिंग में जो इम्प्रोवाइज करवा सके आपको ठीक है तो इस टेस्ट सीरीज के थ्रू वी प्रोवाइड वी आर प्रोवाइडिंग यू द मेंटोरशिप यू कैन राइट आंसर ऑन डेली बेसिस यू कैन सेंड इट टू अस वो भी और साथ साथ में ये टेस्ट सीरीज ठीक है इफ यू कीप ऑन बेसिकली पुटिंग इन लेबर इफ यू इफ यू लिसन टू दर्ड ऑफ योर मेंटोर्स जो सपोर्ट सिस्टम आपको दिया गया है डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक गो थ्रू द दीन्स ठीक है तो माई सजेशन टू ऑल ऑफ यू वुड बी टू विजिट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जाइए और ये जो हमारे एस सी की मेन की टेस्ट सीरीज है इसे देखिए इसके फीचर्स देखिए वी आर हैविंग टोटल इस पर टोटल सिक्सटीन टेस्ट टोटली वी आर हैविंग सिक्सटीन टेस्ट सिक्सटीन टेस्ट जिसमें आठ सेक्शनल टेस्ट फॉर जनरल स्टडीज दो इंग्लिश और दो हिंदी के भी टेस्ट होंगे चार कंप्लीट जी मॉक होंगे एवेन विद इन सेवेंटी टू आवर्स बहत्तर घंटे के अंदर आपकी कॉपी की एवेलेशन होकर आपको मिल जाएगी आपको दो प्रोवाइड किए जाएंगे जिसपे से इफ़ यू हैव एनी डाउट इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम उस नंबर पे आपने टेक्स्ट मैसेज करना है रोज आंसर प्रैक्टिस कर रहे हैं ठीक है इफ़ यू प्रैक्टिस आंसर इन डेली बेसिस आंसर राइटिंग रोज प्रैक्टिस करना होता है तब जाके ये टेस्ट सीरीज में आप परफॉर्म कर पाते हो तो जो गाइडेंस आपको दी जाएगी उसे आपने फॉलो करना है नंबर्स प्रोवाइड किए जाएंगे उस नंबर पे अपने आंसर्स लिखिए और भेजिए इस तरह से आपकी इंप्रोवाइजेशन होगी यू वुड बी गेटिंग अ डेडिकेटेड मेंटर नो इशू विद दैट यू राइट आंसर्स डेली यू सेंड इट टू अस ठीक है वेदर यू आर ऑप्टिंग फॉर ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी कर रहे हो कहीं भी कर रहे हो नो इश्यूज ठीक है बट डू मेक इट श्योर कि यू 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 हैव द टेस्ट सीरीज एंड यू टारगेट दो टेस्ट सीरीज ठीक है इसलिए टारगेट बोल रहा हूँ क्योंकि ये डेट वाइज ये 14 जून से स्टार्ट होने वाला है फोर्टीन जून को पहला टेस्ट है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड इंडियन कल्चर की टेस्ट है तो ये लिंक में विजिट करके यू सी सी दी बेसिकली शेड्यूल में शेड्यूल है, है, है तो उसके अकॉर्डिंगली शेड्यूलिंग की गई है तो इस शेड्यूल को फॉलो करिए अपने आप को प्रिपेयर करिए टेस्ट दीजिए और यू गेट अ बेसिकली वेरी स्पेसिफिक इवेल्युएशन एंड अंटॉल सपोर्ट ठीक है टोटल सिक्सटीन टेस्ट है पूरे डेट्स मैं आपने अपने टॉपिक्स को तैयार करना है सिलेबस को देखना है तैयार करना है जो भी टॉपिक की टेस्ट होनी है सिलेबस को चेक करिए चेक सिलेबस प्रिपेयर टॉपिक्स सिट फॉर द टेस्ट स्टडी प्रिपेयर टॉपिक्स प्रैक्टिस आंसर डेली सेंड टू योर गेट इड सिट फॉर सीरीज़ ट्रस्ट मी यू आर गोइंग टू डेफिनेटली डेफिनेटली इंप्रोवाइज एंड सक्सीड इन देंस एग्जामिनेशन ठीक है has been consistently providing results राइट मेंटोरशिप वेदर बी मेन्सर रीजन यही है कि इट हैजिन एबलटेन इज लेगसी फ्रॉम पास ट्वेंटी फाइव ईयर्स जस्ट बिकॉज ऑफ अ राइट गाइडेंस एंड राइट मेंट इज नीडेड इन दिस एग्जामिश ठीक है साथ में कुछ कुछ लेक्चर्स भी आपके बीच में कर जाएंगे विल बी कनेक्टेड टू यू विद लेक्चर्स के आंसर राइटिंग में क्या है बेसिक चीज़ें जो फॉलो करनी होती है क्या फॉलो करना होता है इंट्रोडक्शन को कैसे करना है वॉट इज दी कंटेक्स्ट कंप्यूटर्स क्वेश्चन को कैसे समझना है डायरेक्टिव को कैसे फॉलो करना है कौन से डायरेक्टिव में क्या लिखना होता है विल स्टे कनेक्टेड विथ यू हम लेक्चर्स कनेक्ट करते रहेंगे एंड विल बेसिकली कम्युनिकेट फॉर योर इम्प्रोवाइजेशन ठीक है तो प्लीज़ डू मेक श्योर लिंक में डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में लिंक डली है किसी ने सोशियलॉजी ऑप्शन की भी टच सीरीज अगर लेनी है उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है यू हैव डेडिकेटेड मैंटर फोर सोशलॉजी आफ्टर नो इश्यूज उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है ठीक है तो डू विजिट द लिंक चेक द डिटेल्स ऑफ द टेस्ट सीरीज एंड डो नॉट बेसिकली डो नाट है मत करना जल्दी से टेस्ट सीरीज को अवेल करिए एंड बेसिकली सिक्योर सिक्योर द चान्स ऑफ क्लियरिंग द मेन्स विद अभिमन्यू आयस एंड द टेस्ट सीरीज ऑफ अभिमन्यू आयस ठीक है थैंक यू